हेलो फ्रेंड मैं हूं प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति किचन में तो दोस्तों स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई है और सुबह सुबह हमें बच्चों को लंच बना के देना पड़ता है तो सुबह की जल्दबाजी में हमें समझ नहीं आता है कि हम बच्चों को क्या दें टिफ़िन में तो इसी मैं मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही आसान ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है तो यहाँ पे मैं एक कप चावल को रात भर भिगो के छोड़ दी थी तो ये अच्छे से फूल गया है तो सुबह हम क्या करेंगे मिक्सी के जार में इसे रख के और इसे ग्राइंड करेंगे तो हमने सारे चावल को पानी से निकाल के मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया है उसके बाद हम यहाँ पे आधा कप दही ले लेंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे उसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च तो हरी मिर्च को हमने काट लिया है एक इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे इसे भी हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक डाल के इसे हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे तो एकदम फाइन पेस्ट तैयार कीजिएगा तो बिल्कुल फाइन भी नहीं होना चाहिए थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए जिस तरह से सूजी का टेक्सचर होता है उसी तरह से तो हमने इसे पीस लिया है अब हम एक मिक्सिंग बाउल में इसे निकाल लेंगे ये नाश्ता इतना हेल्दी है ना कि आप अगर ज़्यादा ऑयल नहीं खाते हैं ना तो आप इस ब्रेकफास्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही हेल्दी ये ब्रेकफास्ट है तो ये देखिए हमने इसे निकाल लिया है एक मिक्सिंग बाउल में उसमें हम डाल देंगे एक चौथाई कप सूजी तो ये बारीक वाली सूजी है ज़्यादा मोटा नहीं है अगर आपके पास मोटा वाला सूजी है ना तो आप जब चावल पीसेंगे ना उसी टाइम इसे मिक्सी में डाल के चावल के साथ ही उसे ग्राइंड कर लीजिएगा तो सूजी को हम डाल के इस पेस्ट के साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा देर इसे रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये सूजी जो है ना अच्छे से फूल जाए क्योंकि इसमें सूजी को थोड़ा सा फूलने में टाइम लगता है तो सूजी जब तक फूल रहा है तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने मूँगफली को रोस्ट कर लिया है और उसे ठंडा करके उसका छिलका थोड़ा सा हमने निकाल दिया है तो उसे डाल देंगे मिक्सी के जार में हरी मिर्च डालेंगे अदरक डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती तो धनिया पत्ती हमने डंठल सहित डाल दिया है क्योंकि अभी धनिया पत्ता थोड़ा सा महंगा है इसलिए मैं इसे डंठल सहित डालूँगी डंठल को मैं नहीं फेंकूँगी ऐसे डंठल तो यूज हो जाता है बट मैं सभी को इसमें धो के डाल दूँगी उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दही तो मैंने यहाँ पे दो बड़े चम्मच दही डाला है दही डाल के चटनी आप पीसीएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमने नमक डालना भूल भूल गई थी मैं तो मैं पीसते टाइम नमक डाल दी थी चटनी हमारी तैयार हो गई है इधर हम एक कढ़ाई में दो गिलास पानी डाल देंगे और उसमें हम डाल देंगे एक स्टेन अगर आपके पास स्टेन नहीं है तो आप कोई सा भी कटोरी ले सकते हैं उसके अंदर हम डाल देंगे एक थाली थोड़ा सा गड्ढा वाला थाली ले लीजिएगा थाली के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल बस हम थाली को ग्रीस करेंगे ऑयल से ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे तो आप देख रहे हैं ना बहुत ही ए, कम ऑयल में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है तो अभी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा तो थाली को हमने ग्रीस कर लिया है इधर हम गैस पे ये जो हमने तैयार करके रखा है ना थाली को इधर हम चढ़ा देंगे इधर हम तड़का तैयार कर लेंगे तो हमने तड़का पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है उसमें हम सरसों डाल देंगे और हींग डाल देंगे आधा तड़का को हम डाल देंगे इस सूजी और जो चावल का बैटर है ना उसमें डाल देंगे और उसी तड़के में हम डाल देंगे थोड़ा सा कढ़ी पत्ता और उसको हम डाल देंगे चटनी में तो चटनी भी हमारी रेडी हो गई है और इधर हमने गैस पर जो रखा है ना हीट होने के लिए कढ़ाई वो भी रेडी है तब हम अब बैटर को देख लेते हैं तो ये देखिए बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला था तो इसलिए बैटर गाढ़ा हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए वरना जो ये नाश्ता है ना अच्छा नहीं बनता है तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल लिया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है इसी तरह से हमें इस रख इसे रखना है उसके बाद हम डाल देंगे एक साइड से इनो इनो डाल के हम थोड़ा सा इसे पानी डाल देंगे इसके ऊपर से इसे एक्टिवेट करने के लिए इनो नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ही डायरेक्शन में इसे हम लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे फटाफट इसे मिक्स कर लेना है और इधर कढ़ाई में जो हमने प्लेट तैयार करके रखा है ना गर्म होने के लिए उसमें इस बैटर को फटाफट डाल देना है तो इसी तरह से ये नाश्ता बनाइएगा क्योंकि ये इस तरह से बनाइएगा ना तो ये बहुत जल्दी ये नाश्ता बन जाता है ठंडा जो बर्तन रहेगा ना तो उसमें ये जो नाश्ता है फूलने में थोड़ा टाइम लगता है स्टीम होने में तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो इसे अब हम हाई फ्लेम पर दस मिनट स्टीम होने देंगे दस मिनट के बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे पाँच मिनट स्टीम होने देंगे पाँच मिनट के बाद ये नाश्ता एकदम तैयार हो जाता है टोटल पंद्रह मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है थोड़ा सा हम टूथ या नाइफ़ डाल कर चेक कर लेंगे तो ये नाइफ़ एकदम क्लीन निकला है यानी हमारा नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है तब इसके ऊपर हम थोड़ा सा लाल मिर्च और चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे इसे देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इसे अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे बाहर निकाल लेंगे तो एक साइड से मैंने थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसे हल्का सा टेढ़ा कर लिया है और कपड़े की मदद से हमने इसे निकाल के अलग रख दिया है इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे पाँच दस मिनट के लिए और ये जब ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसे अपने मनपसंद शेप में काट लेंगे तो मैंने इसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट लिया था इस तरह से जो काटेंगे ना तो बच्चों को बहुत एक्ट्रैक्टिव लगता है देखने में और खाने में भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है तो आप मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये एकदम इडली के जैसा लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है और बिल्कुल भी इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ये बहुत ही हेल्दी भी है तो बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है तो हमने इसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट लिया है जिस तरह से ढोकला होता है ना उसी तरह से हमने इसे काट लिया है तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कितना स्पंजी बनकर तैयार हुआ है तो चलिए अब हम सर्व करके दिखा देते हैं तो देख सकते हैं ना कि देख के ही आपको एकदम खाने का मन कर देगा तो मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर